जैन दोस्तों, जैन फ्रॉम ऋषिकेश। फिलहाल हम लोग ऋषिकेश से थोड़ा आगे रायवाला करके, ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में रायवाला करके जगह है। यहाँ पे देव बाबू, उधर दिलीप बाबू एकदम गर्म में, एकदम काला चश्मा पहन के कमांडो, और उधर अक्षय बाबू, और हमारा आगरे जा चुका है अंदर होने का, और फिर आगरे घुस गया अजीत भाई। हाँ, वो बाथरूम छोड़ता ही नहीं है कितने मेरे। तो आपको रूम दिखाता हूँ यहाँ का, फिर हम लोग निकलते हैं हरिद्वार के लिए। आज आपको घुमाते हैं हरिद्वार, आवाज धीरे धीरे थोड़ी ठीक हो रही है। ये देखो, ये आ चुका है। तो ये है हमारा हीरो आशीष भाई। भाई की पानी से बहुत गहरी दोस्ती है, जहाँ पानी वहाँ भाई। भाई पानी का पीछा छोड़ता ही नहीं है, दिन में 4-5 बार तो भाई का पानी से मेल मिलाप हो ही जाता है। आगे आप समझदार हो, समझ सकते हो। फिर वो बाथरूम में आते नहीं। तो रायवाला में हमको रूम मिल गया बहुत ही सस्ता, और वो भी 600 रुपये में एसी रूम। यानी पर कैंडिडेट हमको पड़ा 200 रुपये, क्योंकि हम लोग रुके थे 3 लोग। आ रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। रूम अच्छा है, क्या बोलते भाई, रूम अच्छा है? रूम बहुत बढ़िया है। अभी हम लोग आ चुके हरिद्वार में, रूम कर लिए, बैग रख दिए, और निकल रहे हम लोग हर की पौड़ी के लिए, जहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह मिल जाते हैं बहुत अच्छे। I know sometimes life can be tough. यह है हर की पौड़ी। अभी उसके ब्रिज पे हम लोग, इधर बाइक लगा दिए ब्रिज पे, रास्ता ही नहीं था। बाकी ये देखो पीछे आपको गंगा की अविरल धारा, गंगा जी बहते हुए दिख जाएंगे। देखो कितने लोग हैं। यह है हर की पौड़ी। तो कई दोस्तों की डिमांड थी कि भाई जा रहे हो तो हरिद्वार से हमारे लिए भी रुद्राक्ष के फल लेके आना। तो आगे उनकी डिमांड पूरी करने हर की पौड़ी में आ रहे हो तो आप भी ले सकते हो यहाँ से रुद्राक्ष के फल। भाई हमको यहाँ बता रहा है कि इसको कैसे छीला जाता है, छीलने के बाद घसा जाता है, घसने के बाद सरसों के तेल में भिगा के रखना है, फिर बाद में इसको सरसों का तेल में डाल के और बार ऐसे ब्रश लगा दो, ये और भी चमकेगा और शाइन। हाथ में तो भाई मिल ही नहीं रहा, 6 मुखी और 5 मुखी ज्यादा निकल रहा है। आज ये 4 मुखी निकल रहा है, निकल गया 4 मुखी निकला है। सिक्का घुमा के दिखा रहे भैया, असली तरीका ये पहचानने का कुछ और है। ये पहचान है, फिर ये क्या पानी के अंदर चला डूब जाएगा चीज, लकड़ी वकड़ी प्लास्टिक हो तो ऊपर तैरेगा। अच्छा डूब जाता है ना पानी के अंदर। देखो ये पानी के अंदर डूब जाता है, ये डूब जाता है बोलते, ये पानी के अंदर डूब जाएगा, ओरिजिनल रहेगा तेरे, ये डूब गया, हर कोई डूब जाएगा ना। ये देखो डूब गया। हाँ घूम रहे हो, घूम रहे ठीक है, मेरा पैसा दे दिया मैंने भाई। तो भाई चलिए मेरा हो गया, लेके देखो 20 फल लिया हूँ। आपको चाहिए हो गया ना? हो गया हमारा रुद्राक्ष के फल लेके, बढ़िया हो गया रुद्राक्ष के फल लेके। अभी एक माला लेना है भाऊ के लिए, ओरिजिनल रुद्राक्ष, घर पे छिलो खुद ही पहचान करो, माला लेते एक दो और बस हो गया। तो हो गया हमारा, माला वगैरह खरीद के बढ़िया टीका वगैरह लगा के, मेरे सामने में हर की पौड़ी, और यहाँ पे फेमस है पीछे जो देख रहे हो आप शिव रत्न करके, वो फेमस है शिव रत्न। कई लोगों से पूछने के बाद पता चला कि हरिद्वार में प्रसिद्ध शिव रत्न केंद्र है, जहाँ पे असली रुद्राक्ष मिलते हैं। तो आगे हम लोग रुद्राक्ष लेने। और दुकान के मालिक छोटू ने हमको अपनी तरफ से एक एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला भेंट कर दिया। हम लोग आए थे हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास में, खरीदारी की, अभी सभी लोगों ने खरीदारी की। मैंने 3 स्वेटर लिया हूँ घर के लिए। बाकी देव बाबू, हाँ जी, देव बाबू ने भी लिए घर के लिए। मैंने एक पप्पा के लिए जैकेट लिया हूँ, अपर, और मम्मी के लिए क्या बोलते हैं अंकल उसको, कुर्ती। कुर्ती सुनील भाव ने तो देखना ही नहीं पड़ता, बैग भर भर खरीदारी कर ली ठंडी, बैग भर भर के लिए जैकेट ले लिया, और मिसेस के लिए भी ले लिया।
स्वेटर भर के लिए भावने एक दमदार वाला। चलो तो अच्छा है, आ रहे हो तो खरीदारी करो, यहाँ पे बढ़िया है, सही रेट है हर चीज़ का, 350 है ना कंपनी का, प्रचार है हर माल, हर माल 350 में, वो भी ऐसा नहीं, अच्छा माल है। तो मैंने लिया हूँ तीन, ये देखो एक दो और ये तीन चीज़ें, ये देखो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अभी गंगा घाट पे आके, हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट है, अभी गंगा आरती होंगी थोड़ी देर से, शाम के बज चुके हैं 6:30, 15 मिनट बाद चालू हो जाएगी आरती। गंगा की अविरल धारा बह रही है, मस्त लग रहा है देख के यहाँ बैठ के, बढ़िया। देखो गंगा आरती देखने के लिए कितनी भीड़ उमड़ी है पूरी, वो ब्रिज के उस पार होती है हर की पौड़ी के, जो ब्रिज है ना उसके उस पार होती है गंगा आरती। तो आ चुके हैं गंगा आरती के लिए, बस चालू हो चुकी होगी आरती, शाम हो चुकी है 6:30 बज चुके हैं। तो दोस्तों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे हर की पौड़ी में गंगा आरती के लिए। अगर से आप हरिद्वार आ रहे हो तो गंगा आरती में शामिल होने का प्रयत्न जरूर करें। ये गंगा आरती बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गंगा आरती। तो अभी हम लोग आए घूमो बाइक, बाइक जमा करने के लिए, बाइक जमा करेंगे फिर निकलेंगे, अभी 12 बजे की ट्रेन है सीधा दिल्ली के लिए। तो अभी हम लोग हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन में और हम लोग निकलने की तैयारी में यहाँ से दिल्ली के लिए। 12:09 पे हमारी ट्रेन 12:04 नहीं 12:402 है ना, तो वही देख रहे हैं कब आएंगी। फिर भैया ऐसा कुछ है रेलवे स्टेशन हरिद्वार का, तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद फॉर्म दिल्ली मेट्रो। अभी तो अगली सुबह दिल्ली उतरने के बाद हम लोग सीधा निकल गए दिल्ली मेट्रो से अक्षरधाम के लिए। तो अक्षरधाम जाने के लिए हम लोग उतर के भी मयूर विहार में, मयूर विहार से भी ट्रेन चेंज करना है अक्षरधाम जाने के लिए। सामने में ऐसा लग रहा है वो सामने मंदिर अक्षरधाम, ये अक्षरधाम है क्या? तो अभी हम लोग ले रहे सैंडविच यहाँ से, ये चीज़ पनीर सैंडविच। तो देखने में जितना अच्छा आपको ये लग रहा है टेस्ट में उतना ही बकवास है और ख़ास करके बासी है। आ रहे हो तो संभल कर ट्राई कीजिए। तो कदम से कदम मिलाते हुए हम चले अक्षरधाम की तरफ। तो अक्षरधाम मंदिर का टाइमिंग है 10 बजे से लेके सुबह के शाम के 6:30 बजे तक, और सोमवार को है बंद। दिल्ली में सब मंदिर किले सब सोमवार को बंद रहते हैं। तो देखो ये अक्षरधाम मंदिर बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग आए अक्षरधाम मंदिर, मेरे पीछे दिख रहा है आपको अक्षरधाम मंदिर है, बहुत बढ़िया। पीछे पार्किंग दिखेंगे आपको, बहुत ही बढ़िया मंदिर है, लेकिन मोबाइल लेना नहीं देते अंदर। देखो अक्षरधाम आ रहे हो तो आपका ऐसा फॉर्म भरना है, डेट नाम एड्रेस वगैरह, बाकी सामने में आपको दिखेगा क्लॉक रूम जहाँ पे आप सामान जमा कर सकते हो, आपके मोबाइल वगैरह बैग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। बाकी हमारे दिलीप बहु गर्म में एकदम महाकाल, जय महाकाल, ऐसा कुछ है। अभी हम लोग रख रहे हैं बैग में बाकी सामान सभी का एक साथ। तो हो गए हमारे अक्षरधाम मंदिर के दर्शन, मोबाइल अलाउ नहीं था इसलिए दिखा नहीं पाया आपको। तो ये है हजरत निजामुद्दीन दिल्ली मेट्रो। क्या बोलते मेरे भाई? कुछ नहीं बोलना है, अभी उसको लगेगा थोड़ी देर में। नहीं ये भैया ना गलत डिसीजन बताते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आखिरी दिन दिल्ली में, हम लोग निकल पड़े अपने घर की तरफ नागपुर की ओर। तो चार धाम के वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगे जरूर बताएं। ये थी हमारी चार धाम यात्रा, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ।
तो चार धाम की सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। पहुँचेंगे इटारसी थोड़ी देर में, नाइट में हम लोग चढ़े 9 बजे, लेट हो चुके थे, शूट नहीं कर पाया, अभी हम लोग पहुँचे इटारसी। अब इसके बाद डायरेक्ट अगला स्टेशन रहेगा नागपुर, डायरेक्ट 1 बजे पहुँचेंगे हम नागपुर।